subscribe my channel and press the bell icon for new video notification. Thank you. And welcome back to my channel Beauty World. Viewers, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. आज की जो वीडियो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ये वीडियो जो बनाने जा रही हूँ वो है हमारे कलर को फेयर करने के लिए. मीन्स कि आप किस तरह से अपने कलर को जल्दी फेयर कर सकते हैं और वो भी नेचुरल तरीके से, यानी किसी भी किस्म के केमिकल को यूज़ किए बगैर. और ये क्रीम जो है एक नाइट क्रीम बनाने में आपको सिखाऊंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और जिसके रिजल्ट भी आपको विद इन अ वीक मिलना शुरू हो जाएंगे. और ये एक फार्मूला क्रीम से ज़्यादा अच्छा काम करेगी. और ये क्रीम उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जिन्होंने फार्मूला क्रीम यूज़ की है और उनकी स्किन फार्मूला क्रीम से डैमेज हो चुकी है. तो बातें करते हैं कम और वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं. लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें. शुक्रिया. आप किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल ले सकते हैं या अगर आपके पास नेचुरल प्लांट वाला है तो आप वो भी ले सकते हैं. यहाँ पे मैं 1 स्पून इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल, क्योंकि हम ये बना रहे हैं 1 वीक की क्रीम. तो 1 हफ्ते की क्रीम भी लहसुन के जेल में ऐड करेंगे. इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन इस चमचे का 1/2 स्पून ग्लिसरीन. ग्लिसरीन हमारी स्किन को यंग रखता है, एजिंग साइंस को रिमूव करता है, रिंकल्स को रिमूव करता है, फाइन लाइन को रिमूव करता है. और एलोवेरा हमारी स्किन के सन टैन को रिमूव करता है, स्किन को हीलिंग प्रोवाइड करता है. अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल स्किन को मॉइस्चराइज करता है और ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल. तकरीबन हम इसमें 2-3 ड्रॉप कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे इस तरह से और इसको अच्छे से मैच कर लेंगे. ये क्रीम रिवर्स आपकी स्किन को ना सिर्फ वाइट करेगी बल्कि आपके सन टैन को रिमूव करेगी, फाइन लाइन्स को रिमूव करेगी. इसको आप क्रीम को अंडर आई एरिया भी लगा सकते हैं. इससे क्या होगा कि आपके आईज के पास जो रिंकल्स आ रहे होते हैं इस क्रीम को लगाने से वो भी ख़त्म हो जाएंगे. यानी ये एक क्रीम ही आपकी नाइट क्रीम का भी काम करेगी और अंडर आई नाइट क्रीम का भी काम करेगी. इसके अंदर एक चीज़ हम और ऐड करेंगे जो कि ऑप्शनल होगी, वो होगी मिल्क. आप चाहे तो ऐड कर लें क्योंकि मिल्क जो है हमारी स्किन को साफ करता है, चमकदार बनाता है. मैंने तकरीबन 1 टीस्पून मिल्क ऐड किया है. जो भी मिल्क आपके पास हो, डब्बे का मिल्क हो, फ्रेश मिल्क हो, आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप इसको ऐड कर लेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और आपको देखेंगे आपकी स्किन 1 वीक के इस्तेमाल से काफ़ी अच्छी हो जाएगी. इसको मैंने बना लिया, ये देखिए क्रीमी टेक्सचर में आ चुकी है. इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे. ये देखिए. अच्छा, इस क्रीम को आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं. हर उम्र के लोग इसको लगा सकते हैं, इवन बच्चे भी लगा सकती हैं जो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनके लिए भी ये है क्योंकि इसमें किसी को वो केमिकल नहीं है. तो इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं, जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल भी यूज़ कर सकती है. इसको लगाने का तरीका ये है कि रात को आपने अपने चेहरे को वॉश करना है और थोड़ा सा अमाउंट क्रीम का लेंगे. इस तरह से आपने डॉट डॉट करके लगाना है और अच्छे से आपने इसको सर्कुलर मोशन में तकरीबन 2-3 मिनट मसाज करना है. देन इसको आपने पूरी रात के लिए छोड़ देना है. व्यूवर्स, आप यकीन करें ये स्किन आपके चेहरे को बिल्कुल साफ और चमकदार करेगी. आपको भी किसी भी किस्म की वाइटनिंग क्रीम लगाने की नीड नहीं होगी. वो लोग जो महंगी महंगी वाइटनिंग क्रीम अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक बेहतरीन क्रीम है. तो आप इसको 1 हफ्ता फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और फिर 1 हफ्ते बाद नई बना लें. और बनाना बहुत आसान है, आप इसीलिए बना लेंगे. तो उम्मीद करते हैं आपको रेमेडी पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को अपने प्यारों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय.